स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फ्यूचर टेक में। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे जोलो एरा 4X की। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसका कंटेंट क्या है, इसमें कुछ नया है। तो ये किया इसका सील ब्रेक। ये है अपना मेन बॉक्स और बॉक्स के अंदर है एक और बॉक्स, तो इसको भी निकालते हैं ऊपर से। ये है अपना मेन कंटेंट, तो इसके ऊपर है एक और सील, तो इसको भी करते हैं हम ब्रेक। और ये हो गया ब्रेक, करते हैं इसको ओपन। तो सबसे पहले हमें ऊपरी ऊपर मिलती है अपनी मेन यूनिट, और इसको रखते हैं हम एक बार यहाँ साइड में। बाकी कंटेंट देखते हैं कि हमारे हमें साथ में और क्या क्या मिलता है इसके अंदर हम देखते हैं। तो ओके, इसके अंदर हमें मिलती है एक बैटरी जो कि है 3000 mAh की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये मिलता है हमें एक सॉफ्ट केस, और सॉफ्ट केस के साथ ही हमें मिलता है ऊपर एक ये स्क्रीन प्रोटेक्टर फिल्म। तो ये है, और उसके साथ में ये एक सॉफ्ट केस कवर है जो कि अच्छी बात है। और उसके आगे हम देखते हैं तो ये हमें मिलता है एक माइक्रो USB 2 USB एक केबल, चार्जिंग केबल। और ये हमें मिलता है पावर अडेप्टर। जोलो बोलता है ये फास्ट चार्जर, लेकिन ये है 1.5 एम्पियर का। तो 1.5 एम्पियर फास्ट चार्ज तो नहीं है, लेकिन 2 घंटे और 10 मिनट के अंदर शायद ये 3000 mAh की बैटरी है इसको पूरा चार्ज कर देगा। बाकी और देखते हैं हमें ईयरफोन देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जी बिल्कुल नहीं, ईयरफोन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो एक तरीके से एक्सेसरीज है वो पूरी कंप्लीट सी ही है। हमें फिल्म मिल जाती है, प्रोटेक्टर फिल्म मिल जाती है, और उसके साथ में बैक कवर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसके मेन हाइलाइट्स की। तो हाइलाइट्स में जो है वो है 4.5 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले। रेशियो जो है वो 18:9 का है। 1 GB रैम और 16 GB स्टोरेज, और एक्सपेंडेबल है वो 128 GB तक है। 1.5 GHz क्वाड कोर का मीडियाटेक प्रोसेसर है, और हमें एंड्रॉयड ओरियो मिलता है गो एडिशन में। जो कैमरा है वो रियर कैमरा है वो है आठ मेगापिक्सल का, और जो फ्रंट कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का विथ LED एंड स्क्रीन फ्लैश। ओके, और बैटरी जो है वो आपको बताई थी 3000 mAh की है। ड्यूअल 4G वोल्ट है, मतलब 2 जियो सिम है वो आप एक साथ इसमें चला सकते हैं। उसके अलावा 1.5 एम्पियर फास्ट चार्जर। तो करते हैं अब एक बार फ़ोन को बूट, और देखते हैं इसमें करते हैं इसकी सबसे पहले तो इसमें बैटरी इंस्टॉल, और फिल्म उतारते हैं इसके ऊपर की। खोलते हैं इसका बैक पैनल। बैक पैनल में काफ़ी सारे लॉक्स हैं। ये जो है ये है सिम एक का स्लॉट जो कि डलेगी माइक्रो सिम। ये है सिम दो का स्लॉट जहाँ डलेगी नैनो सिम। और ये है माइक्रो SD कार्ड का, जहाँ हम 128 GB तक का माइक्रो SD कार्ड है वो लगा सकते हैं। और बैटरी डालते हैं, और आई होप इसमें करंट हो थोड़ा बहुत। ओके, वाइब्रेट हो गया है तो ये बूट हो गया। बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की। तो हमें बॉटम साइड में, लेफ्ट साइड में मिलता है माइक्रोफोन, और राइट साइड में मिलता है हमें माइक्रो USB चार्जिंग स्लॉट। उसके बाद में राइट साइड की अगर हम बात करें तो नीचे हमें मिलता है पावर बटन, ऊपर मिलते हैं वॉल्यूम रोकर बटन्स। फोन के ऊपर ही ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो हमें मिलता है 3.5 mm जैक, और लेफ्ट साइड में अगर हम बात करें तो वो है पूरी तरह से खाली। ओके, और फ्रंट में अगर हम बात करें तो हमें फ्रंट में मिलता है सेंसर्स, कैमरा और LED फ्लैश। तो ये हो गया है फोन बूट पूरी तरह से, और डिस्प्ले है वो काफी अच्छी लग रही है देखने में। और गो एडिशन है, तो गो एडिशन को भी हम चेक करते हैं क्या कुछ नया मिलता है हमें गो एडिशन के अंदर। ये पूरा इसका मेनू है, कोई फालतू की एप्लीकेशन नहीं दी गई है, नॉर्मल एकदम लाइट, पूरा लाइट बनाया गया है। सारी एप्लीकेशंस हैं वो गो के साथ हैं, गूगल गो, यूट्यूब गो, जीमेल गो, सारे गो हैं इसमें। तो एक तरीके से इसमें मेमोरी है वो काफ़ी बचने वाली है। अब एक बार सेटिंग्स में जाके हम देखते हैं अबाउट फ़ोन में कि हमें क्या कुछ मिलता है। मॉडल जो है वो एरा 4X दिखाई दे रहा है हमें, और उसके आगे हम अगर बात करें स्टार OS वर्जन 5.0 है, और सिक्योरिटी पैच लेवल है वो नवंबर 2018 का है, लेटेस्ट अभी आ गया होगा।
तो यही था इस फ़ोन का पूरा हिसाब किताब। एंड्रॉयड ओरियो 8.1 के साथ आने वाला गोल्ड कलर का ये फ़ोन। तो अब एक बार हम इसका थोड़ा सा कैमरा टेस्ट कर लेते हैं कि कैमरा कैसा इसका काम करता है, क्या इसके रंग ढंग है। तो एक बार हम थोड़ा सा कलरफुल फ़ोटो लेना चाहेंगे एक माउस पैड की, तो देखते हैं इसमें कैसी आती है। कैप्चर हो गई है और अब हम इसकी डिटेल्स देखना चाहेंगे। ठीक ठाक है, मतलब अच्छा तो नहीं कहा जा सकता 8 मेगापिक्सल जितना, लेकिन कुल मिला के ठीक है। अब हम इसका एक सेल्फी टेस्ट और करना चाहेंगे। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफाई करता है, तो ये भी ठीक है। यही है कुल मिला के इस फ़ोन का पूरा हिसाब किताब। और जो प्राइस है इसकी वो कुल मिला के ठीक ठाक है, मतलब 4,299 रुपये 1 GB रैम और 16 GB स्टोरेज के लिए, और 5,199 रुपये 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज के लिए। तो प्राइस रेंज मैं इसकी 1 GB वाले वेरिएंट की अच्छी मानता हूँ, ठीक है इस प्राइस पे, क्योंकि Xiaomi ने भी अभी अपना एक फ़ोन है वो Redmi Go लॉन्च किया है और उसकी जो प्राइस है वो है 4,499 रुपये और उसमें 1 GB की रैम और 8 GB का स्टोरेज हमें देखने को मिलता है। तो ये फ़ोन मुझे उससे कुछ बेटर लगता है। तो यही था वीडियो, देखने के लिए थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब कर देना।